श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जाए पहचान भई पार।
फरमाइए सुंदर साहब, आए पहुंचे मस्कत में आप हक श्री राज जी महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इस कलयुग में मनुष्य तन धारण करके आने का कारण केवल अपनी आत्माओं का था। अगर आत्माओं का उतरना कलयुग में ना होता, करोड़ों बार दुनिया बनी, बन के मिट गई, आगे भी ये क्रम चलता रहेगा, क्योंकि ये अक्षर ब्रह्म की लीला है, बनाना और मिटाना, ये बंद नहीं होगी। और उतरने से पहले सब ग्रंथों के अंदर लिखवा भी दिया। अब भी क्या है, सुनने को सब सुनते, लेकिन स्वामी जी ने किनको कहा, कहती हूं उम्मत को सुन से सब, लेकिन वो कभी भी अपने कर्मकांड, अपने भगवान, अपने देवी देवता, अपनी बड़कों की लीक नहीं छोड़ेंगी, और वो ज्यों के त्यों रोएंगे बाद में कि हमने क्या खो दिया, अपने मान गुमानों, अहंकारों में, कर्मकांडों में, इसी में जीवन निष्फल गवा दिया। और जो अंकुर आत्माएं हैं परमधाम की, चाहे वो कहीं भी जकड़ी हुई होंगी, एक इशारा लगा नहीं, पंजाबी में कहते हैं ना खुम तरह निकल आना, वो इस तरह से पड़क जाकर, ओहो मैं भूली थी, मेरा तो घर कहीं और है, ये तो मिटने वाले शरीर के कर्मकांडों में, रीति रिवाजों में, बड़कों की गद्दियों में और भगवानों के चक्रों में, व्रत जप तप में हम पड़े। जब पता चल गया कि यहां से लेके सात शून्य काल पुरुष प्रकृति प्रलय तक सबका महाप्रलय में नाश, फिर उनको भगवान मानना, परमात्मा मान के जहन्नम में नहीं जाना तो और कहाँ जाना है, पर हर एक की समझ में आना मुश्किल है। समझ किसके में आया, गादीपति आचार्य थे चिंतामणि कल आपके सामने, एक साखी सुनी, गादी छोड़ दी, अभिमान छोड़ दिया, चेलों को कह दिया मैं कुछ नहीं, मेरे अंदर खोखापन है, ये अक्षरातीत पार ब्रह्म है जिनके लिए कबीर जी कहते थे पकड़ लो, चरणों में गिर गए, तारतम लिया, जिनके कारण से उनका ठट्ठे नगर जाना था, ये बाकी भी तो सारे चर्चा सुनती थी। इसी तरह से अब मस्कत बंदर अरब के अंदर है, वहां पर बंद ऐसा राज्य महाराज ने लगाया कि लुहाना जाति शरीर जो संबंध था स्वामी जी का, वो लुहाना जाति के थे, ठाकुर थे, तो उस जाति के और भी लोग और तेज कोरे भी बंध में वहां पर गई हुई हैं। अब वहां जब नाव से उतरे 40 दिन का सफर करने के बाद, किनारे पर कांठे लिखा हुआ शब्द, जैसे बस स्टैंडों पर दुकानें होती हैं और जगह पर जहां बसें ठहरती हैं और कोई जहाज ठहरते हैं तो वहां दुकानें भी होती हैं, जैसे वहां पर उतरे काठे दुकान महाव जी की
महावजी भाई की एक दुकान थी किनारे पर, आए बैठे उनमें बस सामने वो तख्ते वगैरह और कुर्सियां वगैरह रखी होती हैं, वहां के बैठ गए। पूछी खबर उनने, उनने किसने? महावजी भाई ने पूछा, जी आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या बात है? तब उन्होंने अपना शरीर की परिचय देना था, बाकी थोड़ा कुछ बताना था। वो शरीर का परिचय दिया कि जी ऐसे ऐसे हम यहाँ पर आए। कहने लगे, अच्छा तो आप भी लुहाना जाति के? फिर तो आप हमारी जाति के? कुछ शरीर संबंध जात पात का भी निकलाया, और उस हिसाब से बड़ा आदर किया, सत्कार किया, घर ले गए। लौकिक नाते से, लौकिक नाते, शरीर के नाते से अभी चर्चा नहीं हुई, तो आत्मिक नाता वे क्या जानते हैं? और पास नहीं रहने को, अपने घर में ही ठहरने के लिए जगह दे दी। सब मिल हुए खुशा, और सब मिलकर के खुशी हुई। अब ये खबर उधर रूपा और आपको कईयों को नहीं पता होगा, ये जब तेज कुरी जी दीप बंदर से चले थे, ये दो बहनें भी उनके साथ ही बंद में आ गई थी। अब उन्होंने धीरे धीरे इनको चर्चा सत्संग सुनाया, तो ये उनकी सेवा में ही रहती थी। बाता लगे करने, अब बातचीत करने लगे, बीतक अपने हाल, अपने सारे बीतक फिर उन्होंने बताई। महाव जी ने रसोई का, तब महाव जी भाई ने बड़े प्रेम भाव के साथ जो है थाल बनाया और उगाया बिठा करके, आदर किया, बड़े आदर सत्कार के साथ लगा अब सेवा करने, अब खुद सेवा करने लगा। सेवा के भाव तब आते हैं जब किसी के स्वरूप की पहचान, जब धीरे धीरे पहचान आने लगी तो सेवा करने लगा बड़े भाव के साथ, हाल भाल इन वक्त खूब हाल भाव मस्ती के साथ। कान जी बेटा उनका, उनका लड़का कान जी भाई था, तो उनको कह दिया, भाई आगे मैं रोज ही दुकान पे बैठता था, अब तू कुछ दिन के लिए जरा दुकान को संभाल। लगी होने चर्चा, अब स्वामी जी ने जहाँ बैठना है तो चर्चा का काम शुरू करना है, चर्चा शुरू कर दी। जो ठट्ठे की बीतक, अब पहले ठट्ठे की बीतक क्या मतलब, कि चिंतामणि कितने बड़े आचार्य थे, किस तरह से उसकी आत्म जागृत हुई, और लालदास सेठ जो खुद श्रीमद भागवत की चर्चा सुनाया करता था, पर अखंड नित्य वृंदावन का कुछ भी पता नहीं था, उसको किस तरह से उसकी आत्म को जगाया, और भी जो सुंदर चाहते वो जागनी की सारा प्रसंग वहां पर सुनाते हैं। चर्चा मीठी होता है। अब चर्चा संसार के कोई कर्मकांड, कोई बंधन, तुम ये कर लेना, ये कर लेना, ग्रहण का व्रत मतलब ही नहीं, इन बंधनों से निकल कर सदा अखंड मुक्ति का ज्ञान देकर, और उससे परे सारे पहचान योग माया के ब्रह्मांड अक्षर अक्षातीत की कराते हैं। कोई देवे कान, कोई देवे कान, जो कान दे के सुने आत्म जागृत हो जाए, जो बैठा कहीं घूमता कहीं हो उसको क्या पता चर्चा क्या हो रही है। महाव जी ने चर्चा सुनी, हम महाव जी ने काग्रचित्त होके, क्यों, एक तो मुसलमानों का देश, दूसरा कोई संत महात्मा उधर आता ही नहीं, कौन अरब में जाएगा, और तीसरा ब्रह्मवाणी जब उसने सुनी तो कुछ आत्म जागृत हुई, होने लगी पहचान, धीरे धीरे पहचान होने लगी कि भाई ये संसार का कोई साधु महात्मा नहीं है, ये तो शक्ति कोई परे की है, जो वेद शास्त्र पुराणों के सब ग्रंथों के प्रमाण भी देते हैं, और ये वही चीज है जिसके बारे में अक्सर सुनते थे कि कलयुग में विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार पार ब्रह्म ने आना है। यह दिन 10-20 में, 10-20 दिन चर्चा जब उसने सुनी, भाई जो चर्चा जो रहा, और स्वामी जी जैसे सी जैसे सुंदर साथ आते जाते हैं, लोग चर्चा सुनने आते हैं, जोर ही जोर से चर्चा होने लगी। अब वो लोग जो राम भक्त थे, अब स्वामी जी रामायण से प्रमाण देते हैं, देवी राम भगवान तो स्वयं कहते हैं, निजानंदनी उपाधि अनुपा शंभु विरंचि विष्णु भगवान उपजय जासों अंश ते नाना। जब राम भगवान खुद लक्ष्मण को कह रहे हैं, अरे बाबा हम पार ब्रह्म नहीं है, हम भव से पार नहीं किसी को कर सकते, मेरे जैसे लाखों शंभु ब्रह्मा और मैं विष्णु बनते और मिटते,
तो जब हम ही बनने मिटने वाले हैं तो तुम्हें भव से पार हम नहीं कर सकते। दजाल अपनी सिपा में। आप ध्यान देना, अब जब ऐसी चर्चा लोगों को मिलने लगी तो वो जो रामायण के कथा करने वाले थे सप्ताहिक और भागवत कथा करके पैसे लेने वाले लोग थे, उनके पास अब कोई भी कथा सुनने जाता ही नहीं, क्योंकि वो तो संसार का पैसा और ये सब चीजों के लिए धन सुनाते हैं। अब जब उनके पास कोई जाता नहीं, कोई उनकी दुकान बिजनेस तो होता नहीं, जब सारे सुनने वाले इधर आने लगे तो अब उनका काम गड़बड़ होने लगा। कहाँ से खाएं, कहाँ से रोज खीर खट्टे और खीरें बनाएं, निंदा लगे करने। बस ये ध्यान से सुनो, उनका सबसे फिर बड़ा हथियार क्या है? निंदा। ताकि निंदा करेंगे तो लोग हमारे चक्कर में फंस के हमारे ही जंगल जंगल में फंसे रहेंगे। ये कहां से आए हैं? अब दिल में सोचे भाई ये कहां से साधु आ गए, कहां से ज्ञान लाए हैं, सारे आज दिन तक दुनिया कर्मकांड को मानती आई और ये कर्मकांड को जड़ से ही उखाड़ के फेंकते हैं, ये तो बुरे वैरागी आए हैं मेरे मारने का मन में, ये तो हमें भूखे मार डालेंगे। मैं करो लड़ाई इनसे। अब सब ने मिलकर के सोचा भी ऐसे काम नहीं चलेगा, राज कथा में चलो और उनसे लड़ाई करो, प्रश्न करो और झगड़ा करो। ये क्या करे मुझको, क्या करेंगे हमारा? तब सबने एक दिली करके लड़ने के लिए, भाई लड़ना क्या है, किसी भी बात पर आदमी फसाद उठा सकता है, झगड़ा करने के लिए आए। अब स्वामी जी चर्चा कर रहे थे, अब जब उन्होंने चर्चा ही शुरू से लेकर मनुष्य तन कैसे जन्मता है, कैसे मरता है, कैसे 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य तन मिलता है, माया का ऐसा अंधकार का पट्टा बंधा हुआ है, हमें ये सुध ही नहीं आती कि हम यहां किसके लिए लगे हुए हैं। कभी नहीं कोई सोचता, 2 मिनट सोच के देखें, आज जो कुछ 24 घंटे कर रहे हैं उनमें से एक तिनका भी अपना कोई सोचता है? उसके बाद फिर आगे देवी देवता भी जो है ना वो निकालते नहीं, वो माया में हमको फंसाते। अब जब ये प्रमाणों से भागवत के सारे, राजा हरिश्चंद्र, जलंधर ऋषि का प्रसंग, अहिल्या का प्रसंग, देवी देवतों ने ही आकर के सत्य को गिराया और गुरु वशिष्ठ की बातें और ये सारे भागवत भरा ही उससे पड़ा। अब क्या बोले, जो लड़ने के लिए आए थे वो कहते भी हमारे ही ग्रंथों के प्रमाण दे करके वो बताते हैं, ना बाबा ना, ये तो कोई पार ब्रह्म, उन आखिर वो भी ये तो है नहीं कि जानते नहीं होते, समझ गए कि भाई ये तो पार ब्रह्म की शक्ति, ना बाबा ना। अच्छा हुआ कि हमने बिना सुने कोई खटपट करने दी है। यह चर्चा कीर्तन होता है, यहाँ तो स्वामी जी जहाँ बैठते हैं वाणी चर्चा, पर उनको शुद्ध होती थी कि आम पब्लिक के सामने आम शब्दों से कीर्तन करना चाहिए। हमारे जुनूनी जो परम धाम जाने वाले हैं और जाएंगे नहीं, वो इश्क का जाम पिला दो, अकल नहीं है कि इतना बोल लें कि वाणी का जाम पिला दो ताकि हर कोई समझ सके, ना अकल गुम हुई हुई है। फिर पिया इताए हैं कौन समझेगा, नए सुंदर साध साहिब कलयुग में आए, सारा कोई समझे, अकल की बात है ना। वो काला जुनून जो चढ़ा होता है ना, वो ना इधर का छोड़ता है ना उधर का छोड़ता है, दुनिया को बताने के लिए वही प्यार भरे शब्दों को लगा दो ताकि सबको पता चल जाए भाई ये कोई एक छोटा सा मेंढक वाला धर्म नहीं है, ये तो वो मार्ग है जो साहिब सबका एक है और आत्म तत्व के ही इनके भजन हैं, आत्म तत्व की इनकी वाणी है और सब भिन्न भेद मिटा के हमको उस पार ब्रह्म एक साहिब से जोड़ना चाहते हैं। हास विनोद विलास, और उसी पर हास विनोद विलास वाणी चर्चा सत्संग कीर्तन सब बातें होती हैं। दो चार कीर्तन अब वहां पर जो है आवेश के द्वारा 2-4 किरंतन भी उतरते हैं। रेहु दुनिया बावरी खोत जन्म गवा, दुनिया को समझाते हुए स्वामी जी कहते हैं वाणी उतरती है पार ब्रह्म क्षातीत की वाणी नाजल होती है,
अरे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवा, मत माती माया की चाकी सुनत नहीं पुकार। कितनी वाणी चर्चा हो रही, क्या असर कर रहा है। ये है नशा। जैसे एक शराबी को नशा चढ़ जाता है ना, और फर्स्ट क्लास घड़ियां भी होती हैं, कोट भी होते हैं, पर्स भी होते हैं, और जब नशा होता है तो एक पावर पैरिस्ट को होता है, एक वेस्ट को होता है। कोई मारता दो थप्पड़, घड़ी भी उतार के ले जाता है, पर्स भी छीन के ले जाता है, और बहुत नशे में चूर नाली में गिरता है। नत्था सिंह कहते थे कुत्ते आके चाटा करते थे। वो हालत है यहां माया के नशे। हमें सुधि नहीं कि एक दिन मरना भी है, फिर कौन से मकान होंगे, कौन सी कोठियां होंगी, कौन सी कारें होंगी, किस बैंक बैलेंस का नशा लेकर के बाजार में घूमोगे। कोई नहीं सोचता। स्वामी जी कहते हैं पुकार सुन लो, तुम्हें कोई पुकारने वाला फिर आएगा नहीं। तू भूलना श्री महामाता। तब अपनी आत्म को कहते हैं अरे तू इनसे क्या मत्था फोड़ती, ये हर कोई है सियाना, ये मूर्ख नहीं, ये माया के नशे में सियाने चतुर प्रवीण बने हुए। और तुझे लगा ग्रह धाम का था, तुझे परम धाम में आत्मा को जगा के एक बुखार चढ़ा हुआ है, तुझे उसी का ही ताप चढ़ा है, और दुनिया को माया का ताप चढ़ा हुआ है। संभाल अपना आप, अपने आप को संभालो मेरी परम धाम की आत्माओं। सब सियाने अपने काम में लगे, ए सारे सियाने, कोई मूर्ख नहीं है। इनको पता लगेगा जब यम के दूत सामने आके खड़े होंगे, और अपनी आत्म से कहते हैं तुझे एक ही ब्रेहा लगा हुआ है कि मेरे साहिब का फरमान है कि जा करके सोई हुई आत्मा को माया में से जगा के वापस परम धाम लेके आओ। इन चर्चा होते इस चर्चा को होते हुए महाव जी का काम हो गया, उसकी आत्म जागृत हो गई। और भी चेतक साथी, और भी जो सुंदर साथ थे जिनकी आत्माएं थी, वो चौंक उठी और आके चरणों में गिर के तारतम ले लिया। तारतम कोई मंत्र को नहीं कहते। तब स्वामी जी श्री राजीव राय के स्वरूप का वर्णन करते हुए और उनके चरणों से सन्मंत जोड़ते, इसको तारतम कहते। यहाँ गुरु दक्षिणा या गुरु दीक्षा का काम नहीं। यहां इतवार को तारतम होना है। अब जो संडे आएगा, जिन्होंने तारतम लेना हो चरण सिंह जी को अपना नाम लिखवा देना, इसलिए कि दो फूल माला और राज्य के लिए भोग लाना, बाकी कुछ नहीं। यहां वो गुरुओं के चरणों में पैसे नहीं रखना। वो यदि किसी की इच्छा हो तो ये पेटी रखी है राज्य के चरणों में, पेटी में कुछ भी डाल सकते हो, हमारे सामने नहीं। राज्य के सन्मुख बिठा के आपको समझा के उनके चरणों में प्रतिज्ञा करा दूंगा। जैसे पंडित लड़के और लड़की की शादी समय कहता है लड़की के मैं इस व्रत का पालन करूंगी, फिर लड़के को कहते हैं भाई तू इसका बाजू पकड़ रहा है, इसके पालन पोषण का तू प्रतिज्ञा ले, मैं पालन करूंगा। उसी तरह से आपसे प्रतिज्ञा कराई जाएगी कि मैं आज से संसार के अन्य देवी देव सब कर्म कांड को छोड़कर वेंती एक जो वल्लभा मो अंगनानी आविदा। हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे साहेब, मैं आपकी अंगना भटकी हुई थी, मुझे चरणों में लो स्वीकार करो। इस तरह से तीन प्रतिज्ञा हैं, फिर राज्य के चरणों में प्रणाम कर देना। फिर उस दिन देखना कि मैं आपका गुरु बनता हूँ या आपको साथी बनाता हूँ। इस तरह से स्वामी जी ने उनको जब समझाया तो दूसरे लोग भी जाग उठे, भाई ये तो सौदा ही परे का है, ये संसार कोई बात है ही नहीं। एक दिन चर्चा मिले, एक दिन चर्चा के अंदर भाई खंडली महाराज जी पर, बस ध्यान सुनना, ये सेना कठिन होता। अब महाराज जी भाई ने क्या समझा, भाई ठीक है अक्षरातीत है पर रोटी तो हम खिला रहे हैं, रोज नई नई चदरें बिछा के तकिए तो हम लगा रहे हैं। ये दिल के अंदर बात आ गई
स्वामी जी ने देखा जरा से कुरोड़ पड़े भरी सभा के अंदर खंडनी करके धर दी, उनको क्या डर था। भरी सभा में कह दी कि लोग अक्षातीत को भी चद्र बिछाने का गुमान रखते, इन्हें अकल ही नहीं आई कहां से, एक मिनट में भस्म करके स्वाहा हो जाएगा। अब उसने ले भाई एक चद्दर बिछाएं, एक रोज इनको नलाए डुलाएं, एक बढ़िया बढ़िया खाने खिलाएं, एक भरी सभा में बेइज्जती करवाएं, वाह भाई वाह, चलो आज नहीं चर्चा सुननी। हाँ चर्चा सुन के क्या करना, जहां खंडनी हो बेइज्जती हो कोई बेइज्जती करवाने आए क्या। मैं चले गए दुकान पे जाके बैठ गए, लड़के को कह दिया कान जी जाना यार वो माता जी रोटी बना देंगे उनको खिला खिलो देना, अब मैं दुकान पे रहूंगा। अक्कड़ बदतमीजी के साथ ठीक बैठ गए, दुकान बंद करके अंदर ही सो गए। स्वामी जी ने थोड़ी इंतजार की कि भाई महावजी भाई आए नहीं चर्चा में, समझ गए कि आज थोड़ा सा सनलाइट साबुन लगा दिया था तो उससे ज़रा उल्टा असर हो गया। अब चर्चा खत्म हुई, महावजी भाई जनाब यूँ रख के सो रहा, करवट में हर कुछ सोता ही है, तो भेजा जबराइल को, जबराइल उसकी बंद दुकान में घुस जा, सोते को ऐसा धड़ाका थप्पड़ लगा कि अकल ठिकाने आ गई। अब हुक्म के स्वरूप गए, जैसे ही वो सो रहा था गाल भी बड़े मज़ेदार चमक रही थी, हम मारा कस के थप्पड़, भूत आ गया भूत, उठाया लालटेन पालटेन जलाया, देखा भी अंदर भूत तो कुछ है नहीं, देखा तो गाल पे पंजे का जरा ठप्पा लग गया था, कड़ाके से लगा था। अब आई अकल ठिकाने, भूत नहीं आया, मैंने जिनको पीठ दी है, जिनके प्यार भरी वाणी को मैंने खंडनी समझा, ये उन्होंने ही प्यार करके जो है मेरे गुमान अहंकार को तोड़ा है और वही मुझे बुला रहे। रात को 3 बजे का वक्त था, उठा ताला अंदर से खोला बाहर से बंद, और जहां स्वामी जी सो रहे थे आकर के चरणों में शीश रख के और रोने लगा। तो स्वामी जी पूछते हैं भाई 3 का 4 अभी तो समय नहीं हुआ उठने का, कौन आया है। कहते अच्छा श्री जी एक तो थप्पड़ मार मार जगाते हो और फिर पूछते हो कौन आया है। मैं ही कमबख्त महाव जी हूँ जो आपके स्वरूप की पहचान नहीं कर सका था। मैं खंडनी सुन के होए गया बेजार, मेरा मन आपसे उचट गया था कि इनके पास क्या जाना, इनको खंडनी के स्वाय कुछ आता नहीं है। मैं कच्चा था, अगर मेरी आत्म पूरी जागृत हो जाती तो आप खलड़ी भी उतार देते तो भी सौदा सस्ता था जो आप हमें धन दे रहे हो। ना पहचाना परवरदिगार, मैंने ये नहीं पहचाना कि आप मेरे धाम के धनी हैं, मैंने पहचाना कि ये मेरा शरीर कोई रिश्तेदार है। बस अब चर्चा जो थी कलेजे में लगने लगी, शरीर का नाता भूल करके और आत्म जागृत होने लगी। अब महाव जी को कह दिया भैया तू जान तेरी दुकान, अब मेरी आसना रखना मैं नहीं। अब घर वाले भी लगे लड़ने, लड़के बच्चे भी लड़ने, उन्होंने कहा लड़ो मरो सो मिलो, महाव जी भाई मर गए रो लो, मैंने तुम्हें रो लिया मेरे लिए तुम सब मर गए। बस छुट्टी हुई, अब स्वामी जी की सेवा में एकदम लीन हो गया। अब ये चर्चा होते 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 ये खबर वो जहाँ सुंदर सात बंद में था उनको भी सूचना मिल गई, तब बाई जो राज ने रूपा और राधा जो थी उनको भेजा जाओ पता करो, वो आते हैं और पता करते हैं। तब बाई जो राज को भी सूचना दे दी कि स्वामी जी आ गए हम दर्शन करके आए। अब उधर ये खबर वहाँ के SP पुलिस को भी मिल गई कि भाई बाकी जाति वाले सब लोग अपनी अपनी जाति के लोगों का टैक्स दे करके छुड़ा के ले गए हैं, एक लोहाना जाति के ही लोग 17 के 18 हैं उनका कोई टैक्स नहीं चुका रहा, तो उन्हें पता चल गया कि इनके पति आए हुए हैं। तब एक थानेदार की ड्यूटी लगाई कि भाई तू जाके सारी इंक्वायरी कर
और उनसे टैक्स जितना भी 4 साल का है वो जाके मांग। बंदीवान के पैसे को, बंदीवान यानी जो सुंदर साथ बंद में थे उनके पैसे जो थे। आए दरोगा करे पुकार, एक दरोगा जो है वो आके पुकार करता है। अब सुनता है चर्चा, कहता वो मेरे परवरदिगार, वो मेरे अल्लाह ताला, ये तो 11वीं सदी वक्त आखिरत का जमाना आ गया। ओहो ठीक है, जाता है पुलिस कप्तान को, कहता है हजूर मैंने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर केस पूरा हो जाएगा। बहाना बनावे केस का और आके सुने चर्चा। बड़ोदरी डाल देके, अब बहुत दिन जब हो गए तो आखिर एसपी पुलिस ने कहा भी तेरी अभी इंक्वायरी नहीं चली, कहते हजूर मैं आज डायरेक्ट जाके पैसे मंगूंगा। अब दरोगा आके कहता स्वामी जी बात यह है, मैं तो भूल ही जाता हूँ आपकी चर्चा सुन के, ऐसे ऐसे एसपी पुलिस साहब मुझे बहुत डांटते हैं, इनके पैसे तो देने ही पड़ेंगे, और आप तेज कुबरी जी के पति हैं। कहने लगा तुझे किसने बहका दिया? स्वामी जी कहते हैं तूने किस तुझको किसने बहका दिया? तो मैं पति होता तो मैं पहले अपनी पत्नी को छुड़ाने जाता कि मैं यहाँ चर्चा कथा करने बैठता? इनके पति और इनके मालिक तो परवर दिगार हैं, जा उनसे पैसे ले ले, मेरा तो कोई मतलब नहीं, मैं तो संत बाबा हूँ भैया। सिर पर साहेब जो, ओ साहेब, भजन वाले भी सुन लेना कैसे बात स्वामी जी कहते हैं कि इनका जो साहेब इन पे सिर पे खड़ा है उनसे जाके क्लेम कर ले पैसे का, वो दे देंगे। वे खबरदार, वो खबरदार है, मालिक सबको जानता है, जब उन्होंने इसको छुड़ाना होगा ना अपने आप किसी को भेज देंगे, वो छुड़ा लेगा। हमको फिकर ना कछुए, मुझे कुछ फिकर ही नहीं है, जेल में रख जा, कुछ भी कर कुछ भी कर, तू मुझे नहीं पता। और कादर भरतार, और कादर जो है वो इनका भरतार है, मालिक है इनमें से, इनके इस बहाने से इससे करने आवे दीदार, दर्शन करने आता था, चर्चा सुनता था, चर्चा सुने और आके चर्चा सुन के मगन हो जाता है। अब जब कह दिया भरतार जिम्मेवार है तो महाव जी बेचारे की तो इतनी हिम्मत थी नहीं कि 4 साल का टैक्स चुका सकता है, कि मामूली सी दुकान ही तो थी। आवासी बंदर, अब ध्यान के साथ सुनना, मस्कत बंदर से आगे आवासी बंदर आज भी है, वहां पर लोहाना जाति का एक बहुत बड़ा अरबोंपति सेठ उस समय का भैरव ठक्कर रहता था। उसके घर कोई शादी थी तो शादी में हर कोई बैठ के अपनी बिरादरी में डींगे तो मारता ही है, तो किसी दिल जले ने कह दिया अरे क्या सेठ बना फिरता है, नोटों को तिजोरी में धन के दबा के रख ले। अरे ये रही क्या मस्कत बंद, और वहां अपनी लोहाना जाति के लोग 4 साल से बंद में, उनको तो तू छुड़ा नहीं सका, और तुर्रे बांध बांध के हमको दिखाता है लाना, कल तक उन्हें छुड़ा के लिया तो माने कि हाँ तुझे भी कुछ बरादरी का डर है या इज्जत है या तू भी कुछ खानदान को चाहता है। उसी वक्त अपने मुनीम मैनेजर को बुलाया और 2 आदमियों को भेजा, कहने गए यार जाके पता करके तो आओ कितना पैसा देना पड़ेगा, ध्यान देना हम तो एक सेवा के बाद छुट्टी सी लगा दें जी, रसोई की सेवा दी फिर अचार की क्यों दे रहे, कमर टूट के चकना चूर हो जाती है। इनकम टैक्स वाला आ जाए चाहे 20, हाँ हजूर ले लो लो कागज दबाओ ना, उसके लिए हर एक के पास बंडल दबे हुए हैं। राज्य की सेवा के लिए घोटू आता है, घोटू गला घुटता। अब सुनना, तारतम नहीं लिया, चर्चा नहीं सुनी, केवल एक शरीर का खानदान बरादरी की इज्जत के लिए मैनेजर आके कहते हैं सेठ जी 70,000 उस समय आज से 400 साल पहले 70,000 रुपए रखे कुल, चल खजान जी को कहे 70,000 बांध और चल कल मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ छुड़ा के लाते हैं, शान के लिए केवल और कुछ नहीं। चले गए दरबार में 70,000 रुपया जमा करा दिया, कह दिया जितने लोहाना जाति के लोग हैं सबको छोड़ दो,
छोड़ दिया गया। अब पूछा भाई आपको कहाँ पहुँचाया जाए, कहना कि जी हमने पहुँचना नहीं, हमारे मालिक श्री प्रामनाथ जी यहाँ आए हुए हैं और महावजी भाई के घर हैं, वो भी लवाना जाते के। कहने लगे अच्छा चलो फिर अपन मुलाकात कर लेते हैं। आके कौन भैरव सेठ स्वामी जी से मुलाकात करता है, छुड़ाए ले आया को। अपनी जाति के लोगों को छुड़ा के ले आया। वही मुलाकात भैरव से, भैरव ठक्कर से मुलाकात हुई। श्री जी साहब जी से जब मुलाकात हुई अपने घरों ले लिया और दो तीन चर्चा सुनी ना, समझ गया। कहने लगे महाराज एक तो अरब देश, एक यहाँ कोई आता नहीं, चलो इसी बहाने से आपके चरण मिले, यहाँ का काम तो आपका पूरा हो ही गया है, जिस जिस की आत्मा को जगाना था अब कृपा करके थोड़े दिन हमारे साथ चलिए। तो वैसे भी उसने कहा और सोचा कि चलो इसने बगैर परिचय के सुंदर साथ को बंद से छुड़ाया है तो हम भी इसको माया के बंद से छुड़ाएं, इसलिए उसके साथ आवासी बंदर चल पड़े। अपने आप ध्यान देना, करोड़पति सेठ था, हवेलियां थी, अपनी हवेली के साथ बहुत बड़ी हवेली थी, खूब पलंग लगा दिया स्वामी जी के लिए, आदर के साथ सेठों के लिए कौन सी बड़ी बातें थी, सब अच्छी व्यवस्था करके सुंदर चाँद को वहाँ ठहरा दिया। वहाँ स्वामी जी को बधराया, रसोई एक तरफ क्यों अपनी रसोई जुदा करता है, बताऊंगा क्यों, वो रसोई में गड़बड़ खटपट करता था और स्वामी जी के लिए सब राशन पानी सामान और रसोई जुदी करवा दी। लगे चर्चा के काज, अब स्वामी जी तो जहाँ बैठेंगे भाई चर्चा का ही सत्संग का ही काम होना है। आए आगे बैठा भैरव सेठ, अब भैरव सेठ सबसे आगे आकर के चर्चा सुनता है, अपने कबीले अपने कुटुंब कबीले रिश्तेदारों को भी साथ ले आया। ब्रीलीला की चर्चा, अब स्वामी जी शुरू से कौन सी पहली लीला, ब्रज की, ब्रज में कैसे जन्म लिया विष्णु, भूल गए जन्म किसने लिया, आत्म किसकी थी, अक्षर थी और शक्ति अक्षरा तीत की, कैसे 11 साल 52 दिन लीला की, फिर ब्रह्मांड कैसे प्रलय किया और कैसे योग माया में जाके नित वृंदावन नया बनाया, अपना स्वरूप नया बनाया और कल्प वृक्ष जमुना जी चंद्रमा नया खिलाया, फिर वहाँ बांसुरी बजा के आत्माओं को भी बुलाया, अक्षर की इच्छा पूरी करने के लिए रास की लीला की, फिर अक्षर ने मांग कर दी कि ये लीला मुझे अखंड कर दो और ब्रज की लीला भी अखंड कर दो, वो इस तरह से बताया, फिर आत्माएं वापस परम धाम गई और उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, फिर ये तीसरा ब्रह्मांड बनाया, ये सारी अपनी लीलाओं का परचा कराया। भैरव सर्वनाश हो लेते और भैरव एकाग्रचित होके सुनता है, सुन चर्चा सुख पाया और चर्चा सुन के बड़ा अच्छा लगता है पर आत्म को चोट नहीं लग रही। भाई दो पैर बैठका, दो पैर 6 घंटे चर्चा, हम तो 1.5 घंटे में घबरा जाते हैं ना, 2 पहर लगा तक ये चर्चा का विषय चलता रहा। रसोई की अर्ज भई, तब संध्या का समय हो गया, रसोई के अर्जोई के स्वामी जी रसोई बन के तैयार हो गई है, खाइए। उठे सीला उन वक्त, तब स्वामी जी उस समय उठते हैं, भैरव के अपने घर, भैरव अपने घर खाना खाने जाता है, बहुत खुशहाल हुआ इतना और चर्चा को सुन के बस संसार के हिसाब से बड़ा प्रसन्न होता है कि ऐसा ज्ञान आज दिन तक किसी ने सुनाया ही नहीं जो मुक्ति देने वाला हो। फिर बैठे अब स्वामी जी आरोग्य और फिर बैठ गए, सुख मिलाए सब सुंदर साथ भी साथ बैठ गए, बस फिर किसी ने प्रसंग शुरू कर दिया, फिर चर्चा शुरू हो गई। यहाँ बहुत रात बीत गई, बहुत रात तक 12 बजे 1-1, 2-2 बजे तक चर्चा हो रही है। हुआ उठने का समय, उठने का समय हो गया, फिर चर्चा हो तो होता, फिर भी चर्चा होते होते अरुणोदय होने का, सूर्य निकलने का समय हो जाता है, हो गई फजर, फजर हो जाती है, उठे दातन पानी को, तब जो है दातन पानी के लिए उठते हैं और भैरव ठक्कर उठ करके अपने घर जाता है। तब आए भैरव ठक्कर, तब
भैरव ठक्कर आए, उन संग आए कई लोग, और उसके बाद फिर नहा धो के फिर चट्टा का समय हुआ तो भैरव सेठ भी आ, और कई भी सेठ, जैसे सेठों के लोग सेठ होते हैं, वो भी चट्टा सुनने आए। तेज भाई इन समय, अब एक वहां तेज भाई बुढ़िया थी जो महिला सत्संग कराती रहती थी और उसके प्रमुख थी। उसको पता चला कि भैया हाँ बहुत कोई ऊंचे ज्ञान वाले महात्मा आए, वो भी जो है चर्चा सुनने आई, आई करण दीदार दर्शन करने के लिए आई, ले आई कबीला अपना। तब अपना कबीला कुटुम और जितने भी उसके साथी ने थी उन सबको जो है चर्चा में ले आती है। नारे साहब किरणतन बिहार, अब किरणतन तोवानी आनंद विहार की चर्चा तोवानी की, और वाणी क्षर पुरुष से आगे निराकार के आगे की बातें सुन करके अब शक संदेह हो भी किसको, क्योंकि स्वामी जी एक एक बात का प्रमाण गीता से, भागवत से, वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से देते हैं। अब ध्यान देना, 3 महीने हो गए, स्वामी जी ने कहा कि भाई भैरव ठक्कर बड़े काव्य चित्त से चर्चा सुनता है, पर इसकी आत्म को चोट लगी नहीं, आखिर क्या बात है। दोपहर के भोजन के बाद भैरव ठक्कर को सपना ही नहीं था कि स्वामी जी मेरी हवेली में आ जाए। स्वामी जी खाना खाया, उधर भैरव ठक्कर भी खाना खा चुका था, और उसके बाद पलंग और तकिए पे रख के अकबरी हुक्का होता था ना मुगली, वो जिसके हुक्का कहीं होता नाड़ी लंबी होती है, उसको बैठा पी रहा था। स्वामी जी चले गए अंदर, हुक्का पी रहा था, गुरुड़ गुरुड़ हो रही थी, कुछ नहीं कहा, उठ के खड़ा हो गया, हाथ जोड़े आदर से बिठाया। स्वामी जी कहते हैं भाई मैं तेरा कर्जा चुकाना चाहता हूं। वो हैरान हो गया, कहने स्वामी जी आप और कर्जा, कहने लगे भाई तू भी सेठ है करोड़ोंपति और हम भी सेठ हैं, तेरे पास माया का धन है और मैं आत्म धन का मालिक हूं, तूने बगैर परिचय मेरे साथियों को संसार की जेल से छुड़ाया है, मैं 3 महीने से सारा अपना धन लगा रहा हूं पर तेरी आत्मा जो है अभी इस संसार के बंधन से निकली नहीं, और मैं तुझे घर पे बैठे ही, ध्यान दो, जंगलों में जाके नहीं, दान पुण्य करके, योग साधना करके, तपस्या करके नहीं, वो साधन शरीर के, पर तपस्वियों की अकल में ये चीज घुस सकती नहीं, ये जन्म उनका नष्ट ही होने वाला है, नेक्स्ट जन्म में फिर शायद आत्म निर्मल हो, इस जन्म में नहीं हो सकती, क्यों, उनके खोपड़े में जो घुसेगा ना लोहे की छैनियों से निकालना नहीं निकलेगा, अहंकार आगे डट के खड़ा है। भाई घरों बैठे ना तो साधु बनाऊंगा, ना बाबा जी बनाऊंगा, ना तेरे भगवे कपड़े रंगूंगा, और ना तुझे जंगल में भेजूंगा, ना तेरे से माला जपाऊंगा, और घरों बैठे यही बरी पार ब्रह्मक्षातीत का अनुभव कराऊंगा, करना कुछ नहीं पड़ेगा। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया स्वामी जी, इतना सरल है, कहना जी हाँ जितना दुनिया ने कठिन बना रखा है उतना ही ये मार्ग सरल सीधा है, सिर्फ इतना कर, 1 महीने के जो मैं कहूं भोजन में वो खा और जो मैं कहूं ना खा वो ना खा, भूखा नहीं मारना, व्रत नहीं रखाऊंगा तुझे, रोटी कम नहीं तेरी करूंगा, चिंता मत कर। कहने लगे स्वामी जी जो आप कहो मैं करने के लिए तैयार हूं,
कहने लगे ऐसे तो बहुत आते हैं जी हम करेंगे, करना ही मुश्किल है। कहते आप बताओ, मैं कोशिश नहीं कहता, मैं अभी करके बताऊंगा। तब स्वामी जी क्या कहते हैं, जरा भाई कोई मेरा साथी इन चीजों में लिपटा हुआ हो फिर सुन, लाख इस वाणी की चटा सुनते रहना, तारतम्बी ले लेना, तुम्हारी आत्मा कभी भी जागृत नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। डॉक्टर भी दवाई देते हैं तो साथ परहेज बताते, यदि वो कह रहे तेल नहीं खाना, लाल मिर्च नहीं खानी, ये नहीं खाना, दवाई तो होती इतनी सी पूरी, बाहर आ गए गोभी के पकौड़े निकल रहे हैं, हैं? यार दवाई तो लेते रह गए, अरे दे यार गरम गरम पकौड़े, मत्था फोड़ेगा डॉक्टर, खाते रहो महीनों और नुकसान होगा, दवाई इलाज कभी नहीं करी। अब स्वामी जी क्या कहते हैं ध्यान से सुनो जरा, छोड़ दो ये तपस्या करनी है, पीना तमाकू छोड़, इतना कमबख्त तमाकू है, इतनी कमबख्त शराब नहीं। शराब तो घंटे आध में नशा चढ़ाती है और तमाकू सूटा लगाया नहीं और दिमाग का सत्यानाश हुआ। ये तमाकू जो है इसका सेवन करना छोड़ दो, और मांस मछली सब, और मांस मछली सब, नहीं तो उनका पशुओं का जब खून अंदर जाएगा तो तेरी वृत्ति और बुद्धि भी पशुओं जैसी हो जाएगी। सीधी बात है, साइंटिफिकली बात है ये। शराब और सब कैफ, शराब और सब कैफ, गांजा है, सुल्फा है, भांग है, कोई भी नशीली चीज है, कोई भी सेवन नहीं करना। बर्दाना चोरी का पर, और वैश्या औरतों का कभी भी भोग नहीं करना, बस यही तपस्या और कुछ नहीं। माला नहीं फेरनी, साधु नहीं फेरना बनना, जंगलों में नहीं जाना और झूठ और चोरी, बस ये छोड़ दो। इतनी बात का प्रेज, इतनी बात करने से करो इन वक्त, पर स्वामी जी कहते हैं अभी करके बता। तू कहते जी कोशिश करूंगा, कई हमारे साथ, अरे महाराज जी बीड़ी तो पीते हैं, कोशिश करेंगे, समझ लेना वो सीधा नरक का कीड़ा है। जिसको इतनी समझ नहीं आई, बीड़ी और सिगरेट एक तरफ और पार ब्रह्म का ज्ञान, और वो कह रहा है कोशिश करना, उसको चट्टा में बैठने भी देना नहीं चाहिए, कह जा फिर अभी घूम फिर ले। जिसका दिमाग इतनी बात नहीं पकड़ रहा कि शंकर भगवान कैलाश पर बैठे पार ब्रह्म का सुमरण करते 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 मर जाते हैं, ब्रह्मा मर जाते हैं, विष्णु मर जाते हैं, ये चर्चा उनको कभी भी मिली और तुम्हें मिल रही, और छुड़ाया क्या जाए, तुम्हारी जिभ्या के चस्के या और कुछ। अगर जिभ्या का स्वाद तुम्हारे बस में नहीं तो फिर तुम इंसान नहीं, तुम पूरे हैवान हो, जानवर। क्या ये खाने की चीज, खाओ रसगुल्ले, खाओ गुलाब जामुन, खुलाब खाओ रबड़ियां, खाओ मक्खन, पियो दूध के कटोरे, देखो अकल कहाँ जाती है। जब अकल का खुद ही सत्यानाश करना है तो फिर शक्ल तो इंसान की रहेगी मेरे साथियों, काम पशुओं वाला ही करते रहोगे। वो कहते हैं स्वामी जी आप कहते हो कर, मुझे अवश्य करना है, चाहे मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। ए छोड़ दे इसे जाल गेला, चारों की चारों मैं करता था लेकिन आज से जो है मैं सबको छोड़ता हूँ। इतनी मेहनत से, अगर इतनी ही मेहनत से जो जाके अपनी आत्मा, अगर आत्मा जागृत हो जाए, अपार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान कर ले, फिर और लेना ही क्या दुनिया में। उस वक्त आगे हुक्का था, उस वक्त आगे हुक्का था, ये नहीं कि उठा के रख दूं, चिलम उठाई
और नाड़ी पाड़ी तोड़ तोड़ के टुकड़े करके बाहर फेंक दिए। सो दिया तुरंत फोड़। सो दिया तुरंत फोड़, टुकड़े कर दिया, ऐसे छोड़ना होता है। उद्दक धरा चार वस्त का। जल में लेके कसम खाई के स्वामी जी, लाश तो भले निकलेगी, आज के बाद इन चीजों का सेवन नहीं करूंगा। अब घर भी कह दिया। सिठानी को पता था कि जब तक सेठ जी मछली ना खाएं, रोटी का स्वाद आता नहीं। सिठानी को क्या चाहिए? सेठ का शरीर ठीक रहे। और फिर रात को मछली खा के जब तक शराब पिएंगे नहीं, नींद आनी नहीं। सेठ जी उठे, स्वामी जी इतना कह के गए अपनी हवेली में। सेठ जी कहते हैं, सिठानी तुम अंडे खाओ, मछली खाओ, कुछ खाओ, मेरे लिए नए बर्तन मंगवाओ, सात्विक नौकर लगा दो, और मेरा भोजन तेरी रसोई में नहीं बनेगा। मुझे घरों बैठे अगर पार ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो मुझे और क्या चाहिए। सिठानी कहते हाँ, टके टके के बावे आ जाते और लगे परमात्मा का दर्शन कराने, आपकी अकल को क्या? कहते बकवास मत कर, जिब्बा खींच लूंगा, तुझे थोड़ा हम मना कर रहे हैं, तो कुछ भी कर। और फिर स्वामी जी ने एक महीने के लिए कहा है ना, फिक्र ना कर, मैं एक महीने के अंदर मरता नहीं हूं, पर मैंने जो कह दिया मेरी भोजन आज सात्विक होगा। जो दृढ़ करके, इस तरह से दृढ़ निश्चय कर लिया और अब जाके चर्चा सुनने बैठा। 3 महीने की चर्चा का कुछ भी असर? अब 24 घंटे अभी हुए थे इन चीजों को छोड़े। अब स्वामी जी ने फिर नए सिरे से मनुष्य तन क्या है, 14 लोक क्या है, और देवी देवता क्या हैं, कैसे प्रलय होती है, पहले दिन पूरा क्षर पुरुष का, काल पुरुष आदि नारायण तक सब बताया, और दूसरे दिन योग माया और अक्षर ब्रह्म की सारी लीला का वर्णन बताया, कैसे ब्रह्मांड बनाते हैं, कैसे मिटाते हैं, और सारा बताया। तीसरे दिन परम धाम और मूल मिलावा और सिंहासन का वर्णन कर रहे थे। भैरव ठक्कर उठ के खड़ा हो, स्वामी जी जो मुझे आप महीने में दर्शाना चाहते थे मेरी आज आत्म वहां पहुंच गई। बस ये होता है आत्म को निर्मल करते ही अनुभव का। तीसरे दिन ही चट्टा सुनते उसकी सुरता वहां पहुंच रही है। मैं जन्म भरे को छोड़िया, अब मैं जन्म भरे ये कमबख्त चीजों को छोड़ दिया, ये चारों वस्त ही मनुष्य का सत्यानाश करते। और आती कब है? जब पैसा बोलो बोलो ज्यादा होता है, तब फिर कंपनियां और जो जो कुछ होता है, कहाँ तक उसका वर्णन, हमें क्या करना। ये ज्यादा माया के ही चरित्र हैं जो हमें इन चीजों में फंसाते हैं। मोहे धनी जो मुझे महीने में आप देना चाहते थे मुझे मिल गया, मुझे मूल मिलावा और सिंहासन आज अनुभव में आ गया है। किस तरह से उनका स्वरूप श्रृंगार है सब मेरी आत्मा ने अनुभव किया है। पाया माया, अब माया का पता चला है ये क्या है और पार ब्रह्म क्या है। ए आया जो साथ में, अब आए और तब स्वामी जी ने तारतम्य दिया। जब तक किसी की आत्म को जगा नहीं लेते थे, पहचान नहीं करा देते थे, किसी को भी तारतम्य नहीं देते थे। इस तरह से ये तारतम्य लिया इसने। बड़ा शहर में शोर, अब रात को सेठ आए, कौन से? अब तो तुम कहोगे कोई नहीं पता, महफल वाले, बोतलों वाले। तो नौकर को पहले ही कह दिया था, हाँ भाई चला दे शिकंजवी का दौर कर। अब और कहाँ होना था। थोड़ी देर के बाद सेठ कहते हैं, सेठ जी क्या बात होगी, बोतल नहीं खुलनी? कहते भाई खोल दे रूह अफसर। अब सारे मजाक करने लगे, कहने लगे दोस्ती मेरे साथ है कि बोतलों के साथ? अकल आ गई ना बात करने की। भाई अगर मेरे से दोस्त आना है तो यहाँ आ जाना,
बोतलों की अगर दोस्ती है तो किसी और मैखाने में चले जाना, अब बोतल पीने यहाँ ना। सारे सेठ भी हैरान हो गए कि भैरों ठक्कर, जो मांस के बिना कभी रोटी ना दिन को ना रात को, और शराब के बिना जो बात नहीं करता था, आखिर ऐसे कौन से संत हैं। हम भी कल उनकी चर्चा सुन के तो देखें, वो सेठ भी आने लगे। सखी भाई आई साथ में, और तेज भाई वो बुढ़िया जो थी वो भी आई, और एक सखी भाई और थी वो भी चर्चा सुनने आने लगी। लगे बन सारे निंदा करने। अब ध्यान देना, जो दुकानें खोलने वाले थे आगे पता क्या था, तारों की छांव में दुकान खोलो और तारों की छाया में दुकान बंद करो। अब वो बेचारे जाते थे तो रोटी ठंडी, रात को आवे उनकी पत्नियां रोटी बना के रख जाए और चर्चा में चली जाए, तो रात को भी रोटी ठंडी। कुछ दिन तो उन्होंने बर्दाश्त किया, आखिर सारे इकट्ठे हुए, भाई मर गए, पेट में दर्द हो रही है, ठंडी रोटी बाजरा, और ये क्या मुसीबत आ गई, कौन सी कथा ऐसी ऐसी हो गई है। आगे तो साप्ताहिक कथा चलती थी, भैरों ठक्कर से जाके पूछे भी तुमने कौन सी कथा रखवा रखी। सारे मिल करके गए भैरों ठक्कर से लगे लड़ने, कहने लगे वो सेठ जी महाराज क्या कम भक्ति हमारे गले डाल दी। आगे तो सुना था रामायण भागवत का गीता का जो साप्ताहिक प्राण होता है, तुम्हारा कौन सा प्राण है, और हम तो मर गए भूखे, इस तरह से ठंडी रोटी खा खा के मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई मेरे से क्यों लड़ने आए, मैं तुम्हारी पत्नियों को कभी घर से बुलाने जाता नहीं, अब समय पर आ गए हो, जरा अंदर झांक के देखो वो कोई मेरा काम तो नहीं कर, अगर तो आके कोई मेरा काम कर रही है, मैं उनसे अपने घर का कोई काम कराऊं तब तो तुम मेरे से लड़ो। वो आते हैं अपनी आत्मा की गरज से, इसलिए होश करके सुन लो, अपनी पत्नियों को घर रोक लेना, लेकिन मेरे घर इस तरह से वाहियातपन करने के लिए दोबारा नाना खूब डांट के भेज दिया। ये सब करते कलयुग है, एक कलयुग है, रिश्तेदार भी कलयुग है, वो पति भी कलयुग हैं, जो बहनों को सत्संग में आने के लिए रोकती है, और वो बहनें भी कलयुग का रूप हैं, जो पतियों को सत्संग में आने के लिए रोकती। स्वामी जी कहते हैं यही कलयुग, यही है दज्जाल, कोई हाथी घोड़े का नाम नहीं है। उन्होंने बताया है दज्जाल करत कछु ऐसा के अंदर करत दखल बेईमानी, अंदर आके बैठ जाती है और दोस्त को दुश्मन करे और फेर देवे अकल को घुमा के, अच्छों को भी बुरा बना देती है। अब उन पतियों ने कहा अच्छा, एक तो ये कथा सुनने जाती है, दूसरी हमारी करवाती बेचती, आज आने दो इनको घर। और पतियों का नशा किस बात का होता है, जब पत्नियां घर आई लगे बड़बड़ाने और लगे ये कर देंगे वो कर देंगे तुम्हें मार देंगे तुम यही कर देंगे, जैसे होती धमकियां। मैंने कहा सेठ जी कान खोल के सुन लो, बुरा करने तो हम गए नहीं, 20-20 साल हो गए शादी किए हुए, तेरे 4-4 बच्चे पैदा कर दिए, तेरी बहन के कोई काम होता है तो 2 महीने के लिए भेज सकता है, तब हम होते हैं शरीफ, अब सत्संग आत्म के लिए चले गए तो हमारे चरित्र पर भी हाथ उठाते हो और इस तरह के अपशब्द कहते हो, बाकी रहा मरना और मारना उसकी धौंस देना नहीं, आज की रोटी खा लो, रात की अपनी खुद आटा के पो लेना, हमारी लाशें यहाँ टंगी हुई मिलेंगी। अब मगज ठिकाने आ गया, मर गई तो आटा कौन गूंथ देगा, गैस नहीं थी चूल्हा कौन जलाएगा, हाथ सड़ जाएगा रोटी मिलनी नहीं, अच्छा बाबा अच्छा जाओ चर्चा सुने जाओ मगर रहो जाओ, और क्या करते हो गया। उसके बाद फिर 2-4 दिन पीते, उन्होंने कहा भाई देखें औरतों का लीडर कौन है, कौन इनको वहाँ लेकर के जाता है, उनको पकड़ो जरा ठीक करो।
कि उन्होंने तो नाश घर का किया, हमारा नाश क्यों कर रहे हैं। तो देखा तो वो बुढ़िया तेज भाई का पता चला, भाई चलो उनसे जाके लड़े। अब सारे मिलके उनके पास गए, कहते माता श्री प्रणाम, आओ बेटा कैसी आए। कहे माता जी तुम तो सत्संग करने रोज जाओ, हम तुम्हें मना करने नहीं आए, पर ऐसे करो कुछ दिन हमारी खातर ना जाओ, क्योंकि तुम्हारे पीछे हमारी घरवाली पत्नियां लगी हैं और वो रोटी पको के रख देती हैं, हम उठते हैं तो ठंडी रोटी खानी पड़ती, फिर रात को हम आते हैं तो शाम को रोटी रोटी बना के ढक्कन में बंद करके चली जाती हैं, हमें शाम को भी ठंडी खानी, कपड़े हमारे मैले पड़े हैं कई दिनों के, हमारी खत्म आ जाओ। कहने लगे तुम्हें शर्म नहीं आती, जब मैं जवान थी तो मेरे माँ बाप कहते थे जवान लड़कियों के बाहर नहीं निकलना होता, मंदिरों में नहीं जाना, क्लबों में जाओ। नहीं समझे, नहीं समझाई, आनी नहीं के बॉस भरे हुए हैं, हम मंदिरों में नहीं बट लड़कियों को भेज सकते, कहाँ भेज सकते हैं, क्लबों में। फिर मैं बन गई बहू तो ससुराल वाले कहने लगे ससुर साहब बहू मैं नहीं बाहर निकला करती। अच्छा भाई, फिर बच्चे हो गए, अब मैं हो गई बूढ़ी, दांत रहे नहीं, अब मेरा कोई कसूर है, और अगर कसूर है तो तुम जाओ भाड़ में, मैं तो कथा सुनने जाऊंगी, जो करना है तुम कर लो। बस वो नहीं रुकी, औरतें भी पीछे हार गए। अच्छा भाई कभी तो इनकी कथा खत्म होगी, ठंडा मंडा है जैसे ही खा लो, दज्जाल ये करता है, ये कलयुग के काम है। अब उधर क्या होता है, जब देखा भैरों ठक्कर, और जिस जिस की आत्मा आवासी बंदर में थी, चर्चा सुन के जागृत हो गई, तब ले लिया, तब स्वामी जी सबको बुला के कहते हैं भाई देवचंद जी ने कहा था कि जब तक वो मुख्य आत्मा है शाकुंडल और आत्माओं के नाम है तो खास वो ना समझना, उनको ढूंढ नहीं लेते और उनको अक्षातीत की पहचान करा के जगा नहीं लेते, तब तक हम में से कोई भी परम धाम जा सकता, और मैं यही बैठा हुआ हूँ, अभी तक पता ही नहीं वो कहाँ पर हैं। तो सबको कहा भी अब आज्ञा दो, मैं कोई यहाँ गादी बनाने नहीं आया, ध्यान के साथ मैं कोई महाराज बनने नहीं आया, भाई हुक्म हुआ है लियाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, मेरी रूहें जो अश, उन आत्मों को ढूंढना है, कहाँ कहाँ पर वो आत्मे हैं क्या पता चलेगा, जा जा के जगह जगह चर्चा करेंगे, आत्म भड़क भड़क करके बाहर निकलेंगी, इसलिए मुझे आज्ञा दो। सब सुंदर साथ रो पड़े, भैरों ठक्कर रोने लगा कि स्वामी जी कौन सा नसीब सनमंद निस्बत थी हमारी परम धाम की, एक तो ये मुसलमानों का राक्षसों का देश, और एक कोई साधु महात्मा इधर आते नहीं, आप आए हो तो हमारी आत्मा के सनमंद से आए हो, और ये दुनिया छोड़ के मत जाओ। बस स्वामी जी किसी की आंखों के आंसू बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, दो तीन दिन के बाद बैठे थे चितवन में, राज जी से बात कर रहे थे कि धनी मैं क्या करूं, आप कोई ऐसा कारण बनाओ दीप बंदर की तरह से कि ये मुझे राजी खुशी से इजाजत दे दें, फिर तो यहां से निकल सकूंगा। मैं दो चार दिन बीते तो वहां ध्यान के साथ आवासी बंदर का जो डिप्टी कमिश्नर या राजा था उसका तबादला हो गया, और एक ऐसा जालम बादशाह की नियुक्ति हो गई जो जहां भी जाता था सबसे पहले हिंदू साधुओं को पकड़ करके जेल में डालता था। अब उसका आना सुन के भैरों ठक्कर को बड़ा फिक्र पड़ गया। अब रात भर ध्यान देना, बड़े बड़े और सुंदर साथ को लेके बगदाद तक भागे, सब जगह भागे, पर ये तबादला रुकने वाला था नहीं, किसी ने किया होता तो रुक भी जाता। अब हार गए और सब सुंदर साथ मिलके रातों रात स्वामी जी के
के स्वामी जी किस मुंह दिखाने को दिल नहीं करता, आप अभी चलने की तैयारी करो, सुबह नहीं अभी, रातों रात जो है आपने यहाँ से चलना है। क्यों? अगर सुबह हो गई और आपने चर्चा करनी करनी है वो रुक सकेगी नहीं, और कोई भी उंगली उठ गई तो हमारा तो कोई ठिकाना नहीं होगा। स्वामी ने कहा अच्छा भाई, अगर आप लोगों की ऐसी आ गया तो हम तैयार हैं, हमने कौन से ऊँट घोड़े ला देने, दो कपड़े हैं बांध लेंगे, सबको कह दिया बंद हो ही चले। अब सुंदर साथ को अकल आ गई थी कि स्वामी जी ने आत्माओं को जगाने के लिए जगह जगह जाना है तो किराया भी लगना है, और माया के काम में माया ही होती है। तब हर एक ने रातों रात, किसी ने धन, किसी ने वस्त्र, किसी ने भूषण, किसी ने सोना, किसी ने चांदी, जो कुछ आया, स्वामी जी ने मना किया, भाग्यवानों मैं इनको कहाँ ढूंढूंगा। क्या लगे? नहीं, आपको रास्ते में जहाँ काम आएगा इसको लगाना। आप ध्यान देना, जहाज लाठी बंदरगाह हिंदुस्तान को नहीं आ रहा था, बगदाद को जा रहा था, और कोक बंदर रास्ते में पड़ती है, वहां से बदलना था, उसी पर बिठा दिया ताकि कोई सुबह मुसीबत ना आ जाए। तब उस पर बैठे कुछ सुंदर साथ साथ पहुंचाने के लिए आए, कोक बंदर से फिर नाव बदली और कहां पहुंचे, बस लाठी बंदर बाबा की राची बंदर का हिंदुस्तान वापस आना है ना, तो लाठी बंदर का पहुंच गए। वहाँ चार दिन रह के, वहाँ चार दिन रह के आए नगर ठठे, ठठे नगर आ गए। नाथे जोशी ने सुनी, अब नाथा जोशी को पता चला के स्वामी जी लौट करके भारतवर्ष आ गए हैं, दौड़ा लेने को आगे, सब सुंदर साथ को सूचना देकर स्वागत करने के लिए आगा लेने के लिए पहुँच गए। ठाकरी भाई जिंदा दास, रस्ते में घर किसका था? ठाकरी भाई जिंदा दास, जो किसका लालदा जी का माली था, उसके घर आ गए। उसने कहा स्वामी जी आज रुखा सूखा भोजन सुंदर साथ की सेवा मैं करूंगी। ठाकरी भाई इन समय, अब इस समय ठाकरी भाई साथ रसोई के काम, अब सुंदर साथ की रसोई की कितनी खुशियां थी, टोकरे के टोकरे समान भर भर के बाजार से ला रही है और बन रहा है खूब सुंदर साथ को भोजन बन के तैयार हो गया, पंक्तियों में बिठा दिया, सब सुंदर साथ को जितने भी टट्टे नगर के थे सब आज भोजन करो, स्वामी जी को भी आसन पर बिठाया, बड़े आनंद मंगल के साथ रसोई हुई। बैठे आरोग ने बैठ गए ठाकरी भाई के घर, ठाकरी भाई के घर रसोई हो रही है, उछरंग साथ में, और सुंदर साथ में भी बड़ी खुशियों की उछरंग थी, खुशी थी कि स्वामी जी लौट आए हैं अपने अपने ठोर, अपने अपने घरों से, आवासी बंदर की, अब आवासी बंदर की जागनी और मस्कत बंदर की जागनी कैसे हुई वो सारा प्रसंग बताया, इन बार साथ सब आए के, किस तरह से सुंदर साथ चरणों में आए, शुक्र बजाया हक्का, और फिर सब ने बहुत शुक्र बजाया कि धाम धनी बड़ी कृपा आपकी जो स्वामी जी आ गए, इंतजार को आवाज़ क्या थे दीदार, हाँ और कौन सुंदर साथ दर्शन को आते हैं, ठठे के सब लोग, सब लोग जिन्होंने पहले तारतम लिया था सब दर्शन करने आने लगे। संबत 1728 से, संबत 1700, अब नाथा जोशी के घर चले गए। अब वहां से बैठकर सोचा कि भी अब जागनी का प्रोग्राम कैसे किया जाए, कह लगे ठीक है मुझे तो जो सतगुरु महाराज जी का हुक्म है वो जहाँ जहाँ ले जाएंगे चलता जाऊँगा, पर सारी धर्म की जिम्मेवारी किस पर होती है, बिहारी जी, क्योंकि गादी पर कौन बैठे तो जिम्मेवारी किसकी है, बिहारी जी की है, उनको मैं चिट्ठी लिखूं कि मिल करके प्रोग्राम बनाएं और मिल करके जागनी का काम करें तो ज़्यादा होगा। श्री सतगुरु महाराज की जय।
प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की।